तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको VR रैंक गेम के लिए बहुत ही ज्यादा यूनिक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। तो देखिए इसको मैं यूनिक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से थोड़ा हटके होने वाला है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहला बेनिफिट तो ये होने वाला है कि जो भी बंदे सोनिया दिमित्री या नहरी कैरेक्टर का यूज करता है और अपने आप को पैक करके सेल्फ रिवाइव कर लेता है, आप उन बंदों को बहुत इजिली मर पाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ उन प्लेयर के लिए जो कि VR रैंक गेम सोलो खेलना पसंद करते हैं, उनके लिए तो क्या ही बोली, ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला है, सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ये तो मैंने मेनली बेनिफिट बता दिया, इसके अलावा भी आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है इस यूनिक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस यूनिक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव स्किल कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को यूज करना है स्कैलर कैरेक्टर। क्यों यूज करना है ये थोड़ा समझिए, ठीक ना। अभी के टाइम में VR रैंक गेम में क्या हो रहा है, जैसे आप किसी एनिमी को डैमेज देंगे वो ग्लू बॉल लगा लेगा, या फिर आप डाउन भी होंगे तो उस ग्लू बॉल लगा लेगा और अपने आप को सेल्फ रिवाइव कर लेगा, क्योंकि ज्यादातर बंदा दिमित्री कैरेक्टर यूज करता है। जैसे आप मारे सोनिया यूज कर रहा है, उसका ग्लू बॉल लगाएगा वो डाउन होगा, पैक करके अपने आप को रिवाइव कर लेगा। तो यहीं पर काम आता है स्कैलर। जैसे आप किसी एनिमी को डैमेज देते हैं या फिर डाउन करते हैं, उसके बाद जाकर के आप स्कैलर का बीम मारिए, उसका ग्लू बॉल टूटेगा, अचानक से आप एनिमी को मार दीजिए। और स्कैलर जो है ना बहुत सारे ग्लू बॉल को तोड़ सकता है, 2-3 ग्लू बॉल बहुत सारे ग्लू बॉल को तोड़ सकता है, इसलिए एनिमी का आप ग्लू बॉल भी खत्म कर सकते हैं। और स्कैलर के साथ एक और बेनिफिट है कि स्कैलर सिर्फ 40 सेकंड में मतलब चार्ज हो जाता है। अगर आप रॉकी पेट यूज की जगह तो और भी जल्दी, मतलब 34-35 सेकंड में चार्ज हो जाता है स्कैलर कैरेक्टर, मतलब बहुत जल्दी जल्दी चार्ज होता है। और एनिमी का आप ग्लू बॉल बार बार तोड़ करके एनिमी को बहुत इजीली मार सकते हैं। और अभी जो VR रैंक गेम का कंडीशन है वहां तो क्या ही बोले, स्कैलर बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसलिए आपको स्कैलर ही यूज करना है फर्स्ट एक्टिव स्किल कैरेक्टर के रूप में। इसके बाद स्कैलर के साथ जो पहला पैसिव कैरेक्टर यूज करना है वो आपको यूज करना है लुकिटा कैरेक्टर। लुकिटा कैरेक्टर आपके लिए हमेशा बेनिफिट होने वाला है VR रैंक गेम के अंदर, मतलब आप सोलो के लिए, डुओ के लिए, स्क्वाड के लिए हमेशा मतलब लुकिटा कैरेक्टर आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि लुकिटा कैरेक्टर की एबिलिटी आपको पता है कि लुकिटा कैरेक्टर आपका मैक्सिमम एचपी जो 200 रहता है उसको 250 या बोलिए तो 280 तक लेके चले जाता है। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैं जस्ट लैंड किया हूं, मेरे पास MP5 है, एक बंदा को मारता हूं। जैसे मारता हूं मेरा मैक्सिमम एचपी को देखिए 225 एचपी हो गया मैक्सिमम एचपी, ठीक ना। और यहां हमको थोड़ा डैमेज भी पड़ गया था तो मेडिकिट मारा, मेडिकिट मारने के बाद मेरा 225 एचपी हो गया। सामने देखिए दिमित्री कैरेक्टर यूजर, मैंने उसको मारा, वो सोनिया बन गया है, ठीक ना। सोनिया बन गया है तो मैं रस कर रहा हूं, थोड़ा देर में डाउन हो गया। और मैंने जैसा पहले बोला कि अभी दिमित्री का बहुत ज्यादा यूज है, ये भी देखिए अपने आप को रिवाइव कर रहा था लेकिन मैं पहुंच गया और इसको मार दिया। मारने के बाद आप मेरा मैक्सिमम एचपी को देखिए, अभी सिर्फ उतरते ही 2 किल हुआ और मेरा मैक्सिमम एचपी 250 हो गया। और अगर मेरे पास वेस्ट एचपी बूस्टर हमको मिल जाएगा तो मेरा मैक्सिमम एचपी जो है ना 280 हो जाएगा। और देखिए हम बता देते हैं कि मतलब एचपी बूस्टर ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, वो जो पॉकेट मार्केट लूट आउट होता है उसको खोलते हैं, आराम से एचपी बूस्टर खरीद लेते हैं। यहां पर देखिए मेरा 250 एचपी है और जैसे मैं एचपी बूस्टर खरीदता हूं, वेस्ट एचपी बूस्टर खरीद लेता हूं तो मेरा एचपी देखिए 280 हो गया। और यहां एक इनिमी भी आ जाता है थोड़ा देर में तो मैं आराम से उसको रस करके, वो इनिमी डर रहा है ठीक ना, पीछे जोन से आ रहा है, मैं उसको आराम से रस करके इसको भी नॉक कर देता हूं। और देखिए ये भी बंदा दिमित्री यूज कर रहा है, ठीक ना। तो मतलब क्या ही बोले, अभी जो है VR रैंक गेम में मतलब ज्यादातर बंदे दिमित्री यूज कर रहे हैं, इसीलिए मैं ये यूनिक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूं, ठीक ना। VR रैंक गेम के लिए ये यूनिक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, इससे आप दिमित्री वाले को थोड़ा इजीली मार सकते हो। बैक टू द टॉपिक, मतलब मैंने पहले बोला आपको फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर में आपको लुकिटा कैरेक्टर यूज करना। लुकिटा से क्या बेनिफिट होगा, आपका मैक्सिमम एचपी बढ़ के 280 तक चले जाएगा, ठीक ना। अभी आप देख सकते हैं मेरा 280 एचपी है, तो इनिमी से फाइट करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा एचपी रहेगा, 280 एचपी रहेगा। नॉर्मली 200 एचपी रहता है लेकिन मेरे पास 280 एचपी है, तो लुकिटा का यही एडवांटेज होता है। इससे आपको मतलब क्लोज फाइट हो कि लॉन्ग फाइट हो, लॉन्ग रेंज फाइट हो, हर जगह आपको बेनिफिट होने वाला है, इसलिए आप फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर में बिना कुछ सोचे समझे लुकिटा का यूज कर सकते हो। तो अब तक जो मैंने आपको बताया कि एक्टिव स्किल कैरेक्टर के रूप में आपको स्कैलर यूज करना है और फर्स्ट पैसिव के रूप में आपको लुकिटा कैरेक्टर यूज करना है, क्यों यूज करना है मैंने सारा चीज बता दिया। इसके बाद जो सेकंड पैसिव कैरेक्टर है यहां पर आपको राफेल कैरेक्टर यूज करना है, क्यों यूज करना है तो मैं आगे आपको समझाने का कोशिश करता हूं। तो राफेल कैरेक्टर की एबिलिटी तो आपको पता होगा कि अगर आप मार्क्समैन गन या स्नाइपर गन यूज करते हैं तो मतलब आपको साइलेंसर इफेक्ट मिलता है, साथ ही साथ अगर आप किसी एनिमी को आप डाउन करते हैं तो 80% जल्दी मर जाता है, ठीक ना, मतलब डाउन होने के बाद जल्दी मरता है। ये राफेल कैरेक्टर की दो एबिलिटी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एबिलिटी है। तो देखिए इससे बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट होता है अगर आप सोलो खेलिए या फिर स्क्वाड में गेम प्ले कीजिए, हर जगह बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है कि साइलेंसर इफेक्ट जो मिलता है इससे इनिमी को आपका लोकेशन पता नहीं चलता है। एक तो जिस इनिमी को मार रहे हैं उसको जल्दी से पता ही नहीं चलता है किस डायरेक्शन में मार रहा है, ठीक ना, मार रहा है तो आप उसको इजिली मार सकते हैं। उसके बाद देखिए राफेल का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो क्या है कि वो थर्ड पार्टी आपका नहीं होगा, आपका लोकेशन इनिमी को पता ही नहीं चलेगा, तो आपको मतलब 2-3-4 बंदे मिलकर मार ही नहीं पाएगा। तो नॉर्मली
ही क्या होता है कि अगर आप कोई गन से इनिमी को एक इनिमी को मार रहे हैं तो वहाँ आसपास में जितना इनिमी है सबको पता चल रहा है कि यहाँ पर बंदा है, इसको टारगेट करना है, इसको टारगेट करके मारना है। वही अगर आप राफेल यूज कीजिएगा तो आपको फ्री का साइलेंसर इफेक्ट मिलेगा, तो आप जिस इनिमी को मार रहे हैं ज़्यादातर उसी इनिमी को पता चलेगा कहाँ से मार रहा है, बाकी अदर इनिमी को पता नहीं चलेगा कहाँ से मार रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से राफेल जो है ना आपको मतलब सोलो गेम के लिए कि स्क्वाड गेम के लिए बी आर रैंक का गेम में आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे देता है, क्योंकि राफेल आपके लोकेशन को बहुत अच्छा से छिपा सकता है। और अभी जो बी आर रैंक के गेम में चल रहा है मतलब चाहे हो गया AC-80 हो गया या फिर SKS हो गया या फिर SBDY हो गया, ये सब मार्क्समैन जो इतना ज़्यादा इनिमी को डैमेज दे रहा है ना क्या ही बोले। तो अभी जो राफेल कैरेक्टर यूज कर रहा है बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। आप मार्क्समैन गन यूज कीजिए साथ में राफेल यूज कीजिए, आप बहुत इजीली इनिमी को मार सकते हैं, छिप करके कहीं कैंप करके बहुत आसानी से नंबर ऑफ किल्स बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपको एंड में बहुत ज्यादा प्लस देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने क्या किया, स्काइलर कैरेक्टर एक्टिव स्किल कैरेक्टर के रूप में, फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर हो गया लुकिटा कैरेक्टर, सेकंड पैसिव कैरेक्टर राफेल को चुन लिया। तो थर्ड और लास्ट पैसिव कैरेक्टर जो है यहां पर आपको मारो कैरेक्टर यूज करना है, क्योंकि मारो कैरेक्टर क्या करता है ना गन का डैमेज बढ़ाता है। कैसे डैमेज बढ़ाता है, जितना दूर इनिमी रहेगा उतना ज्यादा डैमेज देगा मारो कैरेक्टर यूज करने के बाद। तो प्रैक्टिकल बेनिफिट भी मैं आपको दिखा देता हूं मारो से किस तरह होता है। तो अब तक हम राफेल यूज कर रहे हैं, राफेल के साथ अगर मारो यूज करेंगे तो मार्क्समैन गन पहले से ज्यादा डैमेज देता है और मारो यूज करने के बाद गन का डैमेज और भी ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए दूर इनिमी है इसके पास 3 या 4 का वेस्ट होगा फिर भी देखिए 60-60 का डैमेज दे रहा था, और लास्ट बंदा को देखिए बहुत ज्यादा दूर बंदा है ठीक ना, देखिए 100-100 का डैमेज दे रहा है, SKS 100-100 का डैमेज दे रहा है। तो मतलब समझ रहे हैं, तो मारो यूज करने के बाद क्या होगा, इनिमी जितना दूर रहेगा उसको आप आराम से कहीं बैठिए छिप करके दूर का इनिमी को मार सकते हैं और बहुत ज्यादा डैमेज देगा। एक दो गोली मारिए उसके बाद इनिमी अगर ग्लू बॉल लगाया तो आप स्कैलर से उसका ग्लू बॉल तोड़िए उसके बाद आप इजीली इनिमी को मार सकते हैं। मतलब ये वाला जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मतलब स्कैलर स्कैलर के साथ लुकिटा, लुकिटा के साथ राफेल, राफेल के साथ अगर आप मारो कैरेक्टर यूज कर लेते हैं तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है। इससे जो आप इनिमी को बहुत इजीली मार सकते हैं। कैसे मार सकते हैं मैं आपको अच्छा से समझाता हूं, गेम प्ले से समझाता हूं। तो यहां पर मैं सिंपली जा रहा था, लेफ्ट साइड घूमने के बाद देखा मैंने एक इनिमी और जब मैं इसको SKS से मारता हूं देखिए 57, 57 और 64 का मार देता हूं, 3 गोली उसको लग जाता है ठीक ना। 3 गोली क्यों लगा, क्योंकि राफेल यूज कर रहे तो उसको लोकेशन पता नहीं चला। और यहां मैंने स्कैलर भी यूज कर लिया था, इनिमी अगर बच जाता तो उसका स्कैलर से ग्लोबल टूट जाता उसके बाद मैं उसको मार देता, लेकिन यहां वो मर गया क्योंकि 57, 57, 64 लग गया तो 200 से ज्यादा का डैमेज हो गया था इसलिए इनिमी मर गया, साथ में जोन भी कुछ डैमेज दिया था। उसके बाद देखिए ये तो पहला बेनिफिट हो गया राफेल मारो का। उसके बाद यहां देखिए यहां जब मैं आता हूं यहां पर मैं देख रहा हूं लेफ्ट साइड में और थोड़ा देर में देखिए एक बंदा हमको दिखता है, इसको इनिमी भी डैमेज दिया लेकिन मैं इसको 2 SKS से मारता हूं, इसमें साइलेंसर लगा हुआ है तो जो थर्ड पार्टी यहां मैं करता हूं तो मतलब दूसरा बंदा को मेरा लोकेशन पता नहीं चलता, वो लूट रहा था मैं उसको बहुत ज्यादा डैमेज देता हूं। तो मेरा स्कैलर चार्ज होने वाला है इसलिए मैं यहां पर थोड़ा वेट कर लेता हूं, स्कैलर चार्ज होता है स्कैलर मारता हूं, ग्लू बॉल टूटता है मैं इजिली डाउन कर देता हूं ठीक ना। ये इनहेलर यूज कर रहा है इसको मैं मार देता हूं। तो यहां पर आपने देखा यहां पर सारा कैरेक्टर का यूज हो गया, राफेल और मारो के कारण मैंने लॉन्ग का बंदा को मार दिया, स्कैलर के कारण ग्लू बॉल तोड़ करके क्लोज का बंदा को मार दिया, और मेरा HP देखिए 280 HP है इसलिए मैं क्लोज रेंज फाइट लेने में कभी भी घबराता नहीं क्योंकि मेरा ज्यादा HP है तो इनिमी को मैं इजिली मार सकता हूं। जब आमने सामने फाइट होगा तो वहां मेरे पास हमेशा बेनिफिट रहेगा। मतलब ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चाहे क्लोज रेंज फाइट हो कि लॉन्ग रेंज फाइट हो हर जगह बेनिफिट देगा। लुकिटा आपको क्लोज रेंज फाइट में बेनिफिट देगा और राफेल और मारो जो है ना लॉन्ग रेंज फाइट में बेनिफिट देगा। तो आज से आप लोग भी ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखिए, इससे क्या होगा कि आप छिप करके कैंप करके इजिली इनिमी को मार पाएंगे और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा प्लस एक गेम के अंदर ले पाएंगे। तो ये वाला जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है मतलब स्कैलर स्कैलर के साथ लुकिटा, लुकिटा के साथ राफेल, राफेल के साथ मारो, ये एक यूनिक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है और अगर आप इसका यूज कीजिएगा तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।